You are most welcome to my educational platform, Unique Style of Teaching. 7th class, Mathematics. Unit number 6, Direct and Inverse Variation, Exercise 6.4. Question number 6. A car covers 201 km in 3 hours. How much distance will it cover in 7 hours? यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है, एक डिस्टेंस है और दूसरा टाइम। अगर 3 घंटे में एक गाड़ी 201 किलोमीटर सफर तय करे तो आपने ये बताना है कि 7 घंटों में वो कितना सफर करेगी। अब देखें, पहले आप जो गिवन डाटा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 201 किलोमीटर, टाइम इज 3 hours, then distance is equal to x and time is 7 hours. Now distance और time का आप relation लेंगे। जब distance आपके पास 201 होता है उस वक्त time आपके पास 3 hours होते हैं। अब time increase कर गया है, time आपके पास है 7 घंटे। 7 घंटे में ये आपने फाइंड करना है कि वो जो कार है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी या कम करेगी। डेफिनेटली टाइम बड़ा है तो ज़्यादा टाइम उसमें मूव करना है, तो डिस्टेंस में भी इंक्रीज होगा। बोथ क्वांटिटीज में अगर इंक्रीज आए या डिक्रीज आए, इसको कहते हैं सेम टेंडेंसी। सेम टेंडेंसी में आपका डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट वेरिएशन कहलाती है, और उसके लिए आपने ये 2 एरो इस तरह से लगाने होते हैं कि इनका क्रॉस बने, ये जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। x से एक लाइन मूव कर रही है और ये जा रही है 3 की तरफ, तो आप x इंटू 3 करेंगे इज इक्वल टू जो दूसरी रोड मैंने बनाई है, लाइन बनाई है, वो 7 और 201 के दरमियान में है, तो 201 इंटू 7। अब इस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इनका आप कैंसलेशन करेंगे, कैंसलेशन के बाद जो 201 को 3 के साथ कैंसिल करें, जो आंसर आए उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 469 किलोमीटर is that distance which will be covered by that car in 7 hours. अगर आप राइट डाउन करना चाहें या इसका रिव्यू करना चाहें तो यू कैन। मैं रिव्यू आपको करवा देता हूँ। 201 किलोमीटर टोटल सफ़र है, 3 घंटे आपके पास टाइम है, फिर आपके पास 7 घंटे टाइम है। 7 घंटे में आपने डिस्टेंस बताना है कितना कवर होगा। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लेते हैं, डिस्टेंस 201 किलोमीटर, then time is 3 hours, then again distance is x किलोमीटर और time is 7 hours. रिलेशन लगाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में आप क्रॉस करते हैं, क्रॉस मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे विच इज 469 किलोमीटर। वीडियो के ऑफ करने से पहले आपको मैं 2-3 रिक्वेस्ट किया करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे वीडियोस का पे कमेंट करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें, और मेरे वीडियोस का अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हों तो उसके लिए सेल नंबर नोट कर लीजिए, that is 0321 5838 264. Thank you very much.